वही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज दिल्ली से राजमाता विजया राजे सिंधिया एयरपोर्ट ग्वालियर पहुंचे, जहां उनका भाजपा नेता एवं समर्थकों ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि हर घर तिरंगा अभियान भारत की प्रजातंत्र का सबसे बड़ा अभियान है और इस अभियान को घर तक पहुंचाने के लिए एक एक नागरिक तन मन के साथ मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि जैसे पिछले वर्षों में करोड़ झंडों के आधार पर हर व्यक्ति ने अपने मन और सम्मान के आधार पर तिरंगे को अपने घर पर लहराया था, इस वर्ष भी वही स्थिति होगी। वहीं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एक ही काम है, देश में अराजकता फैलाना और देश को विवादित मामलों में उलझान। हर घर तिरंगा अभियान भारत के प्रजातंत्र का सबसे बड़ा अभियान है। भारत का एक एक नागरिक गर्व और प्रफुल्लता के साथ अपने घर पर तिरंगा लहराए, और आप सबसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, भारत की आन बान और शान हमारा तिरंगा है और इस अभियान को घर घर तक पहुंचाने के लिए एक एक नागरिक तन मन के साथ मेहनत कर रहे हैं। मेरा पोस्ट ऑफिस विभाग भी हमारे 1,64,000 डाक घर पूरे देश में तिरंगे को पहुंचाने के लिए अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जैसे पिछले वर्षों में करोड़ों झंडों के आधार पर हर व्यक्ति ने अपना मान और सम्मान के आधार पर तिरंगे को अपने घर पे लहराया था, इस वर्ष भी वही स्थिति होगी। पिछले बार में जब आया था तो आगरा से ग्वालियर की एक्सप्रेसवे की सौगात में लेके आया था, जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को, गडकरी साहब को और मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। ये ग्वालियर की फिज़ा को बदलेगी, जैसे इस एयरपोर्ट ने ग्वालियर की फिज़ा को बदला है। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आज जो फ्लाइट में मैं आया, 185 में से 175 यात्री आए हैं, तो मतलब करीब करीब 95% फ्लाइट हमारा अब भर चुका है और यही एक यात्रा चलती रहे।